अनाज का एक दाना नहीं, और कल नवरात्रि है, कैसे तेरी पूजा करूंगी माता रानी। माँ कल नवरात्रि है ना? हाँ बेटी। मेरी दोस्त सीमा ने मुझे बताया कि उसकी मम्मा ना उसके लिए नवरात्रि के कपड़े और डांडिया ले रही है, तू भी मेरे लिए लेगी ना? माँ क्या हुआ? हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं कुछ करती हूँ। ठीक है माँ। पैसे तो है नहीं, कैसे इसके लिए कपड़े लूंगी, मुझे इसको झूठ बोल के जाना पड़ेगा। हे माता रानी मुझे माफ करना। अरे माँ आप कहाँ जा रहे हो? हाँ बेटा काम पे जाना है ना, जल्दी। पूजा नहीं करेंगे? आज तो नवरात्रि है। मैं भी कितनी अजीब माँ हूँ, अपनी बच्ची को एक कपड़े भी नहीं दे सकती। माँ। हाँ बेटा। हाँ मामा, मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? हम लोग ना जाके नवरात्रि का कपड़ा भी ले लेंगे साथ में, आप तो खरीदने वाले हो ना? माँ। नहीं नहीं बेटा, मैंने क्या है ना नई जगह काम पकड़ा है, तो वहाँ किसी को अंदर नहीं आने देते। तू यहीं रह, मैं वो काम खत्म करके ना फिर आके तुझे ले चलती हूँ। ठीक है ठीक है। और हाँ बेटा, नाश्ता मैंने बना के रख दिया है, लेके खा लेना। ठीक है। दवाई को भी अभी खत्म होना था, पैसे तो है नहीं, कैसे लाऊं? डब्बे में जो पैसे छुपा के रखते थे वो भी खत्म हो गए, और राशन भी खत्म है। कल नवरात्रि है, हे माँ तू ही रास्ता दिखा। माता रानी मेरे जैसे बदनसीब माँ किसी को मत बनाना, मैं अपनी बेटी को ही झूठ बोल के काम पे जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए कपड़े नहीं हैं। अरे मम्मा आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तू यहाँ? माँ मुझे सुबह से ही लग रहा था कि आपकी तबीयत खराब है, मैं बहुत देर रुकी, जब आप नहीं आए तो मैं सोची मैं आपका पीछा कर लूँ। तू कितनी अच्छी है बेटा, भगवान करे तेरे जैसे सबको बेटी मिले। माँ आज तेरी तबीयत खराब है ना, आज मैं तेरे सारे काम करूँगी। मेहमान आने वाले, कुछ तैयारी नहीं है, और ये इसको क्यों लेके आई हो? कुछ ढंग के कपड़े भी नहीं पहनी है, मेहमान क्या सोचेंगे? नहीं नहीं मैम साहब, मैं सब कर लेगी, मेहमान आने से पहले। अरे माँ संभल के। अभी तेरा कौन सा नया नाटक है? मेम साहब इनका नाटक नहीं है, उनकी तबीयत सही में खराब है। मेम साहब चिंता मत कर, मैं सब कर लेगी। चलो कुछ तो काम आ गई,
चल अब सब काम में लग जाओ। माँ समझ गई। हेलो, हाँ कैसी है? क्या बताऊँ मैं यार, हर रोज का ये बाई का नाटक है। मैं तो तंग आ गई हूँ, नवरात्रि के दिन भी लेट आती है, सब काम रह गया है। हाँ शॉपिंग तो हो गई है, बाकी सारा काम बाकी है। चल बाद में कॉल करती हूँ। माँ तू रहने दे, तू कपड़ा कर, मैं बर्तन कर लेती हूँ, तेरी तबीयत खराब है ना। ठीक है बेटा। क्या काम करती हूँ, मैं मालकिन से मांगती हूँ और यही मैं नवरात्रि के लिए पहनूंगी। मैम साहब। हाँ बोलो सविता। मैम साहब आज कुछ पैसे मिल जाते तो? नहीं नहीं कोई पैसे नहीं, तुम लोग का तो बस रोज बहाना चाहिए पैसे लेने का। महीना खत्म होगा तभी पैसे मिलेंगे, अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मैम साहब आज नवरात्रि है, पूजा का सामान और गुड़िया के लिए कपड़े लेने थे। तो मैंने क्या तुम्हारा ठेका लेके रखा है? नहीं है पैसे तो मत मनाओ नवरात्रि, मत करो पूजा। मेम साहब वो आयु दीदी जो कपड़े फेंक रही थी, क्या वो सब मैं ले सकती है क्या? नहीं नहीं मैं कपड़े नहीं दे सकती, वो आयु पहनेगी ना ही कपड़े हैं। मम्मा आपको तो पता ही है मैं तो ये कपड़े पहनने वाली नहीं हूँ, अगर वही गुड़िया के काम आ जाएगा तो उसके लिए कितना अच्छा रहेगा। आज जो हमारे काम नहीं आता वो कल किसी और के काम आएगा तो कितना अच्छा होगा। और रही बात सविता आंटी की पैसे मांगने की, तो उनने कौन सा गुनाह कर दिया? उनको नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है, बस क्योंकि वो गरीब है। मम्मा सविता आंटी तो रोज हमारे घर काम करने के लिए आती हैं। अगर वो अपने मेहनत की कमाई से थोड़े से पैसे मांग रही हैं त्योहार मनाने के लिए, तो उसमें क्या बुरा है? और मम्मा आप इमेजिन करो, अगर आप सविता आंटी की जगह होते तो आपको कैसा लगता? सविता कोई टाइम है आने का? इतना सारा काम पड़ा है, जाओ जल्दी से खत्म करो। एक क्या तरीका है काम करने का, ढंग से झाड़ू तो लगाओ। तुमने सही कहा बेटा, मुझे माफ कर दो सविता और गुड़िया। नहीं नहीं मैम साहब आप माफी मत मांगो, आपकी बात का मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, त्योहार तो सभी के लिए होता है चाहे वो अमीर हो या गरीब। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और गुड़िया के लिए कपड़े भी, अब तुम भी खुशी से अपना त्योहार मनाओ और आप भी मनाइए, और हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।